हम सभी क्लास 7 8 के साइंस में लेकर के प्रेजेंट हुए हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का अगला टॉपिक एंड द टॉपिक इज पॉलिएस्टर। आज पढ़ना है पॉलिएस्टर। तो बच्चों आप सभी सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, जैसे टाइप्स में बताया था, नायलॉन के बारे में बताया था पिछले क्लास में। तो उसके बाद अब अगला जो है वो पॉलिएस्टर के बारे में हमको देखना है। पॉलिएस्टर क्या होता है? तो नायलॉन की तरह ही पॉलिएस्टर भी एक पॉलीमर है। पॉलिएस्टर भी एक पॉलीमर है जो ईस्टर के पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलिएस्टर जो वर्ड है पॉली प्लस ईस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, दैट मींस ईस्टर एक मोनोमर है जो पॉलिएस्टर का मोनोमर है, उसके पॉलीमराइजेशन के थ्रू ये पॉलिएस्टर बनते हैं। ये पॉलिएस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है नायलॉन के, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की सिमिलर होती है नायलॉन के, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। तो इस पॉलिएस्टर के बारे में थोड़ी सी हम लोग और जानकारी हासिल कर लेते हैं कि पॉलिएस्टर ईस्टर के पॉलीमराइजेशन से बनता है और यह एक सिंथेटिक फाइबर है, केमिकल से बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर एक थर्मोप्लास्टिक है। जो बताएंगे तो जनरली अभी जान लेंगे पॉलिएस्टर एक थर्मोप्लास्टिक है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिएस्टर को हम लोग मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट और रिमेल्ट, मेल्ट करके फिर से नया शेप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक होने का यही मतलब है। एग्जांपल पॉलिएस्टर का एग्जांपल टेरिलीन। टेरिलीन एक पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर को जब मेल्ट किया जाता है तो यह पिघलता है, मेल्ट करता है, गर्म करने के लिए मेल्ट होता है और पिघल करने के लिए इसका दूसरा शेप हम चाहे तो बना सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिएस्टर, आइए प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं इसके। तो इसकी प्रॉपर्टी जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो नायलॉन से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसीलिए नायलॉन की सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन नायलॉन से यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा सॉफ्ट होता है। वैसे नायलॉन की प्रॉपर्टी आप रिमेंबर कीजिए, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता था, उसके बाद उस पे केमिकल्स के या मॉस के कोई असर नहीं होते थे और वो रिंकल रेसिस्टेंट रहता था। उसी तरीके से पॉलिएस्टर में भी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लागू होती है। पॉलिएस्टर को किसी नेचुरल फाइबर के साथ जैसे कॉटन के साथ मिलाकर के ब्लेंडेड फाइबर बनाया जा सकता है। ब्लेंडेड का मतलब मिक्स फाइबर। पॉलिएस्टर को अगर कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, तो इसके साथ जो मिलने से एक ब्लेंडेड फाइबर बनता है। क्या बनता है? ब्लेंडेड फाइबर, इसको कहते हैं पॉलीकॉट। पॉलीकॉट, पॉलीकॉट जो है पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि पॉलीकॉट का जो क्लॉथ होगा उसमें कॉटन की भी प्रॉपर्टी होगी और पॉलिएस्टर की भी प्रॉपर्टी होगी। तो इससे ब्रेडेड फाइबर पॉलिएस्टर से आसानी से बनाया जा सकता है। पॉलिएस्टर में अगर पॉलिएस्टर को कॉटन है वैसे ही अगर वूल के साथ अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बनाएगा? पॉलीवूल। पॉली वुल ये भी एक ब्लेंडेड फाइबर है। तो ये पॉलिएस्टर की कुछ खासियत हो गई, एडवांटेजेस हो गए, इसके यूजेस। यूजेस इसके क्या क्या होते हैं पॉलिएस्टर के? तो जैसे नायलॉन का यूज होता है क्लॉथ्स वगैरह बनाने में, वैसे ही मटेरियल प्रोडक्ट में इसका भी यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फायर फाइटर का जो होस पाइप होता है वो सब भी बनाया जाता है पॉलिएस्टर का इस्तेमाल। पॉलिएस्टर के कुछ और भी टाइप होते हैं जैसे पीईटी, पीईटी वो भी पॉलिएस्टर का एक टाइप है, जिस पीईटी का इस्तेमाल हम लोग वाटर बॉटल्स बनाने में या जो गोल्डी के जो बॉटल होते हैं उसको बनाने में करते हैं, क्योंकि पीईटी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ग्लास के जैसा होता है, ग्लास के सब्स्टिट्यूट में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीईटी का वैसे फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, पीईटी का फुल फॉर्म होता है पीईटी, एक पॉलिएस्टर का ही एक टाइप है
जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथीन, POLY, पॉली ETHEN, इथीन टेट्रा TETR, टेट्राफ है लीन, क्या होता है थैलेट, थैलेट, इसका ई का फुल फॉर्म होता है, यानी कि इथीन टेट्रा थैलेट के पॉलीमराइजेशन से जब टीटी बनाया जाता है और टीटी को हम लोग ग्लास के सब्स्टिट्यूट में इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्लास जहां जहां पे लगाया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो उसे वैसे अगर हम लोग पीटी फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटी एक तरह का पॉलिस्टर भी है। तो बच्चों आपने देखा पॉलिस्टर के बारे में कि पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो ईस्टर के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने बताया था। पॉलिस्टर दो पार्ट से मिला हुआ है, पॉलीप्लस ईस्टर यानी कि ईस्टर के पॉलीमराइजेशन से या पॉलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये काफी स्ट्रांग होता है और यह सॉफ्ट होता है, यह नायलॉन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है और नायलॉन के मुकाबले यह सॉफ्ट होता है। साथ ही साथ इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे उसको देख करके आप समझ सकते हैं। पीटी के बारे में भी हमने बताया, पीटी और एक और टेनिलिन बताया था हमने, पीटी और टेनिलिन ये दोनों तरह का, एक है टी टी ई आर ई एल वाई ई टेनिलिन, टी आर वाई एल ई एन, टेनिलिन एक पॉलिस्टर है, टाइप ऑफ एक स्पेशल टाइप का पॉलिस्टर रहेगा और पीटी भी एक पॉलिस्टर है और इन सभी का यूज टेरिलिन पॉलिस्टर का यूज हम लोग